हेलो गाइस, आज है 21 मार्च और हम बात करने वाले हैं यस बैंक के बारे में। तो देखिएगा, सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी होली। और देखिए, आई विश आप सबकी होली बहुत अच्छी जाए और आपके लिए ये साल बहुत अच्छा बीते। तो चलिए आइए बात करते हैं यस बैंक के बारे में। तो देखिएगा, जो इसकी प्रीवियस क्लोजिंग थी वो देखिएगा 248.80 के लगभग थी। अब देखिए, जो गैप अप ओपनिंग देखने के लिए मिली 248.75, वो कुछ 5 पैसे डाउन मिली। वही देखिए, जो इसने हाई लगाया 253, वो देखिए ओपनिंग से रहा कुछ 4.25 रुपए के लगभग देखिएगा ऊपर। वही बात करेंगे लो की 246.40, अब ये अपनी ओपनिंग से इसका जो लो था वो देखिएगा 2.35 रुपए के लगभग देखिएगा नीचे था। वही देखिएगा, इसने जो क्लोजिंग दिखाई वो काफी अच्छी है 252.15। अब देखिएगा, ये जो ओपनिंग से रही वो 3.40 रुपए के लगभग देखिएगा ऊपर है अपनी ओपनिंग से। वही देखिएगा 12,457 के लगभग बाइंग क्वांटिटीज। बात करेंगे क्वांटिटी जो ट्रेड हुई है 2,68,00,000 के लगभग। वही देखिए 69,00,000 के लगभग इसमें डिलीवरी क्वांटिटीज है 25.96% के लगभग डिलीवरी क्वांटिटी। तो चलिए आइए आगे देखते हैं, टेक्निकल चार्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए पिवोट पॉइंट्स पे अगर हम देखें तो हम तकरीबन पिवोट लाइन के ऊपर ओपन हुए थे जो कि 248.17 के लगभग है। हम नीचे गए जो कि हमारा एक सपोर्ट था 246.18। अब देखिए, हमने इसको एक सपोर्ट बना लिया है, हालांकि हमने इसको भी टच नहीं किया, इससे भी ऊपर ही रहे हम। और उसका देखिए, एकदम से हमने पहले रेजिस्टेंस को तोड़ा था, जो पहला रेजिस्टेंस था वो था 251.33 के लगभग। उसका देखिए, हमारा ऊपर एक रेजिस्टेंस था जो था 253.32, हालांकि हमने इसको टच नहीं किया। तो चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद देखिएगा, जो हमारा RSI पे हम देख रहे हैं वो देखिए RSI की जो स्ट्रेंथ हमें देखने के लिए मिल रही है, देखिए 70 और 30 के स्केल पर वो 71.66 के लगभग है। तो देखिए, जैसा मैंने आपसे कहा था कि खरीदारी की जो स्ट्रेंथ है वो देखिए लगातार अभी इम्प्रूव हो रही है। ये 70 के ऊपर भी निकल चुका है, ओवरबॉट रीजन में, लेकिन स्ट्रेंथ कम होने का नाम नहीं ले रही। वही बात करेंगे तो देखिएगा, अगर हम मूविंग एवरेज के लिहाज से देखें तो देखिएगा, मूविंग एवरेज के लिहाज से अगर हम चीजों को देखते हैं तो देखिएगा, हम देखिएगा मूविंग एवरेज जो हमने टच किया था यहाँ पर, जो कि ये हमारी 250 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन है, ये रेड वाली, वो देखिएगा तकरीबन 253.75 के लगभग है। तो देखिए, हमने इसको टच नहीं किया आज की डेट में, लेकिन अगर मैं आपको एक चीज बताऊं तो देखिएगा, ये बिल्कुल लगभग लगभग बराबर है एकदम। तो देखिए, ये एक तरीके का फेक ट्रेड होता है। देखिए, ये नीचे गया, जितना नीचे गया उतना ही ऊपर आ गया, तो ये बिल्कुल फेक ट्रेड होता है एक तरीके का। तो ये इसको थोड़ा सा नीचे लेके गए और फिर से ट्रेडर्स इसको ऊपर लेकर आ गए, तो ये फेक ट्रेड था। वही देखिए, जो ऊपर हमने टच किया था 253.75, यानी कि 254 हमने जो हाई लगा दिया था यहाँ पे कुछ दिन पहले, वो देखिएगा यहाँ पर देखिएगा अभी 253.75 से जस्ट नीचे हमने क्लोजिंग दी है अपनी, जो कि 252 के लगभग है। तो अब आप खुद समझ लीजिए किस तरीके की स्ट्रेंथ इसमें डेवलप हो रही है। और जो संकेत मैंने आपको बताए थे जब इसमें ये रेड कैंडल्स बन रही थी, तो देखिए वो इसी वजह से था, क्योंकि हमने 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर अपनी क्लोजिंग दिखाई थी। तो देखिएगा, 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के जितने भी स्टॉक ऊपर होते हैं वो सब देखिएगा अप ट्रेंड में ही चलते हैं। वही बात करेंगे देखिए इसकी ऑप्शन चेन की, तो देखिएगा ऑप्शन चेन को अगर हम बात करें तो देखिए एट द मनी हम 250 और 260 के लेवल पर हैं। जो चीज मैंने आपसे कही थी वही देखिए देखने के लिए मिली, वो थी जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग। आप देखिए, आप देख सकते हैं किस तरीके के शॉर्ट कवर हुए, आपके कॉल राइटर्स अपना लॉस रिकवर करके भाग रहे हैं जो रेजिस्टेंस बनाए बैठे थे। 240 में 6,87,000 के लगभग शॉर्ट कवरिंग, उसके नीचे देखें तो 250 में 9,04,750 के लगभग देखिएगा शॉर्ट कवरिंग देखने के लिए मिली। आप देखिएगा यहाँ पर देखें, टोटल कम्युनिटी ओपन इंटरेस्ट 250 की स्ट्राइक पे 53 के लगभग रह गया, जो पहले कुछ 63 लाख के लगभग था। वही बात करेंगे 240 पर, तो देखिएगा 35 लाख के लगभग टोटल कम्युनिटी ओपन इंटरेस्ट बचा है। आप देखिएगा यहाँ पे भी 6 लाख के लगभग लगभग 6.5 लाख के ऊपर हमारी शॉर्ट कवरिंग देखने के लिए मिली है। बाकी देखें तो देखिए 170 से लेके 220 तक भी देखिए शॉर्ट कवरिंग लगातार चल रही है। वही 1,40,000 की यहाँ पर देखिएगा थोड़ी सी हमें कॉल राइटिंग होती हुई नजर आई है 230 पर। अब देखिएगा, ये एक तरीके से कंफ्यूजन क्रिएट करने की चीजें होती हैं जो आजकल सबसे ज्यादा चलती हैं। वही बात करेंगे हमारी, अब हम बात करेंगे तो देखिए 250 पर, तो देखिए यहाँ पर हमें 3,71,000 के लगभग भी देखिएगा यहाँ पे पुट राइटिंग हुई है। उससे नीचे देखें तो 260 पर भी 40,250 के लगभग यहाँ पे भी पुट राइटिंग, जो हमें एक सपोर्ट देता है।
तो देखिए हमारे सपोर्ट धीरे 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 करके बन रहे हैं, वहीं देखिएगा हमारे जो रेजिस्टेंस सबसे मजबूत थे अब वो टूटने लग गए हैं, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं अब उनको ये एहसास हो चुका है कि यहाँ देखिएगा रेजिस्टेंस ज्यादा टिकने वाला नहीं है। और 260 पर भी देखें तो जहां पर देखिएगा काफी रेजिस्टेंस था वहां भी 53 लाख के लगभग ही देखिए, यहाँ पर भी टोटल कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट है जहां पर 1,27,750 की देखिएगा कॉल राइटिंग हुई है। यहाँ थोड़ा सा हमारा रेजिस्टेंस डेवलप हुआ, लेकिन आप खुद देख लीजिए कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट कितना घटता जा रहा है, कितना मजबूत होने के बाद भी कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट कंपैरेटिव टू अगर देखें हम यहाँ पर हमारा पुट में तो देखिए उसके मुकाबले में बहुत ज्यादा, लेकिन फिर भी देखिए हम ऊपर ही बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि देखिए अब इसमें तेजी का ही मूवमेंट है, इसके अलावा अब इसमें कुछ और होने वाला नहीं है, हल्की फुल्की फेक ट्रेड आपको देखने के लिए मिलते रहेंगे, प्रॉफिट बुकिंग होगी और फिर ये ऊपर जाएगा, तो इससे बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं। अगर आपने नीचे लेके रखा हुआ है तो लेके बैठे रहिए और पूरे के पूरे इसका जो भी चल रहा है इसके अंदर उसको पूरा इंजॉय करिए, इस पूरी रैली को लेके निकलिएगा, क्योंकि छोटा मोटा प्रॉफिट बुक मत करिए, पूरा ही मलाई चाट के निकलना आपको। तो चलिए फिर इसके साथ मैं वीडियो को खत्म करता हूँ, चलूंगा आप अगली वीडियो में, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, सभी जो बेल आइकन उसको दबा दीजिए, आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा, वीडियो को कमेंट करके और चैनल को लाइक कर दीजिए और फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए थैंक यू एंड हैप्पी होली।